Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. As all of you know, we have talked about the primary group yesterday, day before yesterday, I suppose, in the class. And as I have already mentioned, the concept of primary group, it has been given by Sage Kule. But both the groups, primary and secondary group, they are being related to the Sage Kule. But as I have mentioned, jo maine aap logo ko pehle bola hai, Sage Kule has never talked about the secondary group, but this group is being associated to CH. इसको associate किया जाता है because he said those groups which are very much small in size, where there is very much close intimacy, physical proximity, उनको हम कहते हैं they are primary groups. ठीक, अब जो बाकी कोई सोशियोलॉजिस्ट्स हैं, उन्होंने क्या बोला, किम्बल यंग वगैरह वगैरह सोशियोलॉजिस्ट ने उसको एसोसिएट किया किसके साथ, इसी के साथ, क्या कहते हैं इसको, CH को लेके साथ. इनके ये कहने का मतलब था कि जो groups primary नहीं है, जिनके बारे में सेज कुले ने बात नहीं की, यानी जो समान नहीं होंगे, जिनमें क्लोज क्रिस्टिपेज एसोसिएशन नहीं होंगे, जिनमें इंटीमेसी नहीं, वो सभी ग्रुप्स तो हैं, सोशल ग्रुप्स हम उनको कहेंगे, लेकिन उन सभी ग्रुप्स को हम नाम देंगे देयर सेकेंडरी, देयर. सो दोज ग्रुप्स, पहला पॉइंट जब आपको सेकेंडरी ग्रुप को अंडरस्टैंड करना है, इट इज बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द सेकेंडरी ग्रुप्स आर जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, दीज आर अपोजिट टू दैट ऑफ इसमें सिंपैथी आपको देखने को नहीं मिलेगी. These very secondary groups, they are opposite to that of the primary groups. ठीक, number one. Number second is that all those groups, वो सभी groups, जो primary groups नहीं है, जो primary groups, लेकिन एक इंसान उनके साथ associated है, उनके साथ एक इंसान को किसी न किसी किस्म की social relationship है, उन सभी groups को वो will entitle as secondary groups. यानी आपको अपनी life को दो हिस्सों में divide करना. You are the members of all the groups. आप कुछ छोटे ग्रुप्स के मेंबर भी हैं, कुछ बड़े ग्रुप्स के. अगर आपको उस ग्रुप के साथ, अगर वो ग्रुप छोटा है, स्मॉल इन साइज है, उस ग्रुप के साथ आपकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है, उस ग्रुप के साथ आपकी क्लोज रिलेशनशिप है, आप उस ग्रुप को बोलेंगे दे आर माई प्राइमरी ग्रुप. अगर आप जितने भी बाकी ग्रुप्स हैं, अगर उनका साइज स्मॉल नहीं है, अगर आपको उनके साथ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है, अगर आपको उनके साथ क्लोज इंटीमेसी नहीं है, अगर आपको उन ग्रुप्स के साथ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है, ये समझ लीजिएगा वो ग्रुप्स तो है लेकिन दे आर सेकेंडरी ग्रुप. थोड़ी सी एग्जांपल कोट करूंगा, आपको समझ आ जाएगा. आई हैव कोटेड व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द प्राइमरी ग्रुप, आई सेड फैमिली इज अ प्राइमरी ग्रुप. फैमिली इज अ प्राइमरी ग्रुप. फैमिली की अगर बात करेंगे, दिस इज स्मॉल इन साइज, यस सर, देयर इज फेस टू फेस, देयर इज क्लोज इंटीमेसी. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. सो दिस वेरी ग्रुप जिसका साइज आप देंगे 5 से लेकर 7 मेंबर्स का होगा, 10-15 तक ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, फेस टू फेस रिलेशनशिप है बिटवीन दी मेंबर्स, क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, क्लोज इंटीमेसी है, इन ग्रुप्स को हमने नाम दे दिया. सो ये प्राइमरी ग्रुप मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है. अब अगर मुझे ये देखना है क्या ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, मुझे देखना है क्या ये ग्रुप छोटा है, अगर इसका साइज छोटा है, एक पैरामीटर. दूसरी बात, इसमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है कि नहीं है. मैं देखता हूँ अपनी फैमिली का साइज, 4-5-6 बंदे हैं उसमें, मेरी साइज क्या है, स्मॉल है. उसके बाद देखूंगा क्या मैं हर दिन फेस टू फेस इनको देख पाता हूँ. हाँ, मैं हर को फेस टू फेस देख पाता हूँ. इसके बाद मुझे देखना है क्या मेरी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इंटीमेसी इनके साथ है. हाँ, मेरी इंटीमेसी इनके साथ है. तो मैं ये कहूंगा ये जो ग्रुप है जो मेरी जिंदगी के साथ वापसता है, ये ग्रुप है, इनको मैं बोलूंगा प्राइमरी ग्रुप. क्या बोलूंगा? प्राइमरी. अब इसी के साथ जो मैंने जब मैंने डिफाइन किया सेकेंडरी ग्रुप को, आई सेड इट इज अपोजिट ऑफ प्राइमरी ग्रुप. ठीक है, एक भी जो चीजें हमें किसमें मिली, प्राइमरी ग्रुप में, दो थ्री थिंग्स विल नॉट बी अवेलेबल देयर इन सेकेंडरी ग्रुप. लेट मी कोट एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल को कोट करेंगे, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेकेंडरी ग्रुप. मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, जस्ट लाइक आई एम द मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या हूं? मैं मान लो पॉलिटिकल पार्टी, मैं कोई भी, आप बीजेपी आप ले लीजिए, यहाँ पे नेशनल, पीडीपी, जो भी पार्टीज हैं, कांग्रेस, उनकी बात करें, मैं इसका मेंबर हूँ, रिलेशन तो मुझे इसके साथ है ना. yes, इसके साथ रिलेशन. अब फैमिली में कितने बंदे आ गए? 5-6. अभी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की अगर आप बात करेंगे, नेशनलिस्टिक पार्टी है, इसमें अगर आप मेंबर्स की बात करेंगे, इसमें यू विल बी फाइंडिंग मोर देन 1 लाख 2 लाख मेंबर्स.
कहां छह बंदे, कहां 1 लाख या 2 लाख मेंबर, तो साइज क्या है? साइज है ना बड़ा, नंबर वन. नंबर सेकंड, इज दिस पॉसिबल आई कैन मीट ऑल दी मेंबर्स ऑफ दिस वेरी पॉलिटिकल पार्टी ऑन डेली बेसिस? नहीं है ना. क्या मान लो आप बीजेपी का मेंबर हो, क्या मैं मोदी जी को हर दिन मिल सकता हूँ? No, नहीं पॉसिबल है ही नहीं. हमारे पास हम इस वाले सेकेंडरी ग्रुप को क्या कर सकते हैं? वी विल बी हैविंग अ फेस फेस इंटरनेशनल. अब आपके पापा को घर में अल्लाह बचाए दर्द हो गया, आपको उस दर्द की फीलिंग हो जाएगी. इंटीमेसी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी. इस पार्टी के किसी बंदे को दर्द हो जाएगा, मैं तो बोलूंगा हाँ हम उस दिन थोड़ा सा ये बोलेंगे, मातम मनाएंगे इस बंदे के साथ वो हुआ, लेकिन वो जो दर्द वो उसकी फीलिंग मुझे, बिकॉज मेरा इनके साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाला कनेक्शन नहीं रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? अब इस पॉलिटिकल पार्टी का भी मैं मेंबर हूं, ये भी मेरा सोशल ग्रुप है. मैं एक इंसान हूं, मेरा सोशल ग्रुप मेरा घर है. घर भी मेरा क्या है? सोशल ग्रुप. छोटा फेस टू फेस रिलेशनशिप, क्लोज इंटीमेसी, इसको मैं कहूंगा प्राइमरी ग्रुप. मेरा क्रिकेट टीम मेरा छोटा ग्रुप है, क्लोज इंटीमेसी, फेस टू फेस रिलेशनशिप, प्राइमरी ग्रुप. पॉलिटिकल पार्टी, मैं इस ग्रुप का मेंबर हूं, बड़ा साइज, फेस टू फेस रिलेशन नहीं है, इंटीमेसी नहीं. गेटिंग माय पॉइंट? सो उस वाले ग्रुप को जिसके साथ आपकी क्लोज इंटीमेसी नहीं होगी, जिसके साथ आपका फेस टू फेस रिलेशन नहीं होगा, जिसके साथ आपकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, उस ग्रुप को हम बोलेंगे दे आर सेकंड. सो आपको यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग की आपको बात करनी पड़ेगी. एक इंसान का हम जिक्र यहाँ पे करेंगे, ये एक इंसान है. इस इंसान को जिंदगी में बहुत सारे ग्रुप्स का मेंबर बन जाए. कुछ ग्रुप्स क्या होते हैं? दो ही ग्रुप्स नेशनल स्टेज पर हम बात करेंगे. कुछ ग्रुप स्मॉल इन साइज होते हैं, फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, उन सभी ग्रुप्स को हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रुप. ये भी प्राइमरी ग्रुप. इन प्राइमरी ग्रुप्स के बगैर ये इंसान बाकी ग्रुप्स का मेंबर होता है. यस सर. जो बड़े होते हैं, लार्ज इन साइज, जिसमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं होगी, जिसमें फेस टू फेस रिलेशनशिप, उन सभी ग्रुप्स को हम नाम दे देंगे दे आर सेकेंडरी ग्रुप्स. नंबर वन जो आपको याद रखना है कि प्राइम सेकेंडरी ग्रुप इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द प्राइमरी. नंबर वन. नंबर सेकंड, इन प्राइमरी ग्रुप वी आर हैविंग प्राइमरी रिलेशंस. व्हाट आर प्राइमरी रिलेशंस? जस्ट लाइक आई सेड, पर्सनल रिलेशनशिप इज देयर, इंटीमेसी इज देयर, यू इंक्लूड इन टू ईच अदर्स लाइफ. वो जानने की कोशिश करते हो, दर्द को आप शेयर करते हो, दुख को आप शेयर करते हो, खुशी को आप शेयर करते हो, उसको कहेंगे प्राइमरी रिलेशन. क्या कहेंगे? बट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वेरी सेकेंडरी ग्रुप इज दैट दिस इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय सेकेंडरी रिलेशंस. प्राइमरी क्लोज रिलेशन, सिंपैथी, इंटीमेसी, लव, केयर, कंसर्न, अफेक्शन, प्राइमरी रिलेशन. सेकेंडरी, सेकेंडरी I am related to you. I am related to, but I am not feeling your pain. I am related to you. I am not having that much close proximity with you. Are you getting my point? Example देखिए, example में बता देता हूँ. थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए. आपके बहुत किस्म के relatives होते हैं, ठीक? आपका father, mother, brother, sister, आपके close भी. इनमें किसी को दर्द होगा, आपको चैन ही नहीं आएगा. ठीक है, आप मुझे एक बोलिए, आपकी आपका कोई कजिन ब्रदर है, उस कजिन ब्रदर की वाइफ है, आपका कजिन ब्रदर रिलेशन में है, उसकी क्या है? आपकी रिलेटिव है, उसको दर्द है. आर यू फीलिंग द सेम पेन जब आपके पापा को दर्द हो जाएगा? सेम दर्द? नहीं, रिलेशन में तो वो है ना. थोड़ा सा समझिए, समझिए रिलेशन को मेजर करने की कोशिश करिए. पापा को दर्द, आई विल बी फीलिंग पेन. पापा को कोई प्रॉब्लम हो गई, इंडिविजुअल को वो प्रॉब्लम खुद लगने लगते, ऑटोमेटिकली आपकी आंखों से क्या आते हैं? द रिलेशनशिप इज प्राइमरी, रिलेशनशिप इज वेरी क्लोज, इट इज वेरी, यू कैन से इंटीमेट रिलेशनशिप. वो जो कजिन ब्रदर की वाइफ है उसके साथ भी रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप क्या है? सेकेंडरी. आप बोले दूर दराज के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने बोला. गेटिंग माय पॉइंट? सेम अप्लाई टू दीज वेरी सेकेंडरी ग्रुप्स. यहां पे जब हम इनकी बात करेंगे, नंबर वन, दे आर अपोजिट टू दैट ऑफ द प्राइमरी ग्रुप्स. नंबर सेकंड इज दैट दे आर हैविंग सेकेंडरी रिलेशन. दे आर हैविंग सेकेंडरी रिलेशन. मैं यहां पे बात करता हूं क्योंकि मैंने पहले दिन आपको बोला था ग्रुप्स में दो चीजें जरूरी होती है सोशल ग्रुप बनने के लिए, उनमें रिलेशन का होना जरूरी, रिलेशन होना जरूरी. अदरवाइज अगर रिलेशन नहीं होगी तब हम उसको सोशल ग्रुप नहीं कहेंगे. जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी रेलवे स्टेशन की, जो मैंने बस स्टैंड की आपको रिलेशनशिप. अब बात को समझिए, रिलेशनशिप तो है, रिलेशनशिप है. अब इंटेंसिटी देखते हैं रिलेशनशिप की क्या है. ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है कि दूर,
दूर दराज रिलेटेड होना जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर रिलेटेड देन दे विल बी एंटाइटल्ड सोशल ग्रुप. अगर आप रिलेटेड नहीं होंगे तब आप उनको सोशल ग्रुप नहीं बोलेंगे. अब यहाँ पे जब आप आ जाते हो देयर आर सेकेंडरी रिलेशन. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सेकेंडरी रिलेशन, ये सेकेंडरी रिलेशन क्या होती है, किनको हम सेकेंडरी रिलेशन बोलेंगे. दीज रिलेशन आर फॉर्मल रिलेशन, फॉर्मैलिटी के लिए जो आप रिलेशन बनाते हो. ठीक है, सेकेंडरी रिलेशन से क्या मतलब है, इन ग्रुप्स में जो रिलेशन होती है दैट दे आर द फॉर्मल रिलेशन, फॉर्मल रिलेशन नंबर वन. नंबर सेकेंड, दीज रिलेशनशिप्स आर इम्पर्सनल, दीज आर इम्पर्सनल, दीज आर सेगमेंटल. आप फॉर्मल लिखिए और इम्पर्सनल लिखिए, फॉर्मल एंड इम्पर्सनल. सेकेंडरी रिलेशन क्या है, जिसमें आप रिश्ते बनाते हो बट जस्ट नीड टू फुलफिल दी फॉर्मैलिटी. आप फॉर्मैलिटी को क्या करते हो, पूरा फुलफिल करते हो. रिलेशन होती है बिकॉज ओनली एंड ओनली देन दैट विल बिकम ए सोशल ग्रुप. अगर रिलेशन नहीं होगी वो तो ग्रुप नहीं. अब ये देखिए फॉर्मल रिलेशन क्या होती है, आप एक चीज को मेंटेन करने के लिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्वे करने के लिए रिलेशन को निभा रहे हैं. पोलिटिकल पार्टी का मैं मेंबर हूं, इस पोलिटिकल पार्टी में कोई मिनिस्टर मर गया, मान लो मैं कश्मीर का बीजेपी का प्रेसिडेंट हूं फॉर एग्जांपल, इस बीजेपी का कोई बंदा दिल्ली में कोई मिनिस्टर समथिंग लाइक दैट उसकी डेथ हो गई, मैं पॉलिटिकल पार्टी को यहां पे बिलोंग करता हूं, मैं शोक मनाऊंगा, मैं जमा करूंगा, ऐसे बैठ जाऊंगा, मैं शोक मना रहा हूं, ये हमारी पार्टी का बंदा था, मुझे बेहद अफसोस है. इन रियलिटी में इसको कभी मिला नहीं था. अब फॉर्मेलिटी पार्टी को खुश रखने के लिए ऐसे थोड़ा सा चेहरे को ऐसे भी कराऊंगा, नोज भी हेड कराऊंगा, ये मेरी पार्टी का क्या था बंदा था. इट मीन्स अंदर से मुझे वो दर्द नहीं. और गेटिंग माय पॉइंट, दैट टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें आप शो ऑफ करते हो रिलेशन को बिकॉज यू आर गेटिंग कंपेल्ड टू डू सो, आपको वो करना है, दिल से वो आप नहीं करते. जो चीज आप दिल से नहीं करोगे ना, दिल से यू आर बीइंग कंपेल्ड टू डू सो, उसको कहते हैं फॉर्मैलिटी. क्या कहते हैं, हम कहते हैं रिलेशनशिप में डोंट डू एनी काइंड ऑफ फॉर्मैलिटी, आई डोंट नीड फॉर्मैलिटी, कहते हैं ना कभी भी हम डे टू डे एक्टिविटीज में. सो फॉर्मैलिटी क्या होती है, जिसको आप जस्ट शो ऑफ के लिए अवॉइड करते. ठीक, तो यहाँ पे जो रिलेशन होती है किस वाली ग्रुप में, सेकेंडरी रिलेशन होती है, लेकिन दे आर फॉर्मल फॉर्मल रिलेशनशिप. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एंड दे आर इम्पर्सनल इम्पर्सनल. एक होगी पर्सनल, फैमिली में आप हर एक बंदे के साथ पर्सनली अटैच होते हैं, इतनी बड़ी इंटीमेसी होती है, आप इनकी पर्सनल लाइफ में इंट्रूड करते हैं. लेकिन जो ये सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं इनमें जो रिलेशनशिप होती है दे आर इम्पर्सनल इम्पर्सनल रिलेशनशिप. ठीक, अब अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल्स में देने की कोशिश करूंगा आपको समझ आ जाएगा. प्राइमरी ग्रुप की मैंने एग्जांपल्स दी थी, कौन कौन सा है प्राइमरी ग्रुप, हमने कपल की बात की, हम फैमिली की बात करेंगे, क्रिकेट टीम की बात करेंगे, दे आर प्राइमरी ग्रुप. इनकी अगर आप बात करेंगे यू कैन टॉक अबाउट ट्रेड यूनियंस, आप ट्रेड यूनियन की बात कर सकते हो, लेबर यूनियन की बात कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर सकते हो. आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करो ये सेकेंडरी ग्रुप है, आप ट्रेड यूनियन की बात करो ये सेकेंडरी ग्रुप है, आप लेबर यूनियंस की बात करो इसको हम सेकेंडरी ग्रुप बोलेंगे. गेटिंग माय पॉइंट, थोड़ा सा एनालाइज करें. मैं दुकानदार हूं, आई एम ए शॉपकीपर, आई एम ए शॉपकीपर, मेरे घर में मैं अपनी फैमिली का मेंबर हूं, फैमिली बन गया मेरा क्या प्राइमरी ग्रुप. लेकिन मुझे डायरेक्टली इस लेबर यूनियन के साथ एसोसिएशन है, मैं इस लेबर यूनियन का भी मेंबर हूं, ये मेरा क्या बन गया. ठीक है ना, मैं फैमिली का बंदा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड हूं, फैमिली मेरा क्या बन गया प्राइमरी, ये पॉलिटिकल पार्टी मेरी क्या बन गई सेकेंडरी ग्रुप. बात समझ आ गई आपकी, मैं बात करता हूं. आप अपने घरों से निकले, फैमिली आपकी क्या है, आपने जेएम के स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन की, जेएम के स्टूडेंट्स, इसमें प्रेसिडेंट कौन है आपको नाम तो पता होगा लेकिन कभी मिले नहीं हो, कितने मेंबर्स हैं उनके साथ आप कभी मिले नहीं हो, तो आपका वो ग्रुप है, आप उसके मेंबर हो, बट दैट थ्री ग्रुप इज योर सेकेंडरी ग्रुप. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. चलिए, नाउ देयर आर सम ऑफ द यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वेरी यू कैन से सेकेंडरी ग्रुप. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी ग्रुप इज दैट दीज वेरी ग्रुप्स दे आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. Some characteristics I will be mentioning and then I will be taking to another unit today. So, they are the groups which live for short duration. Characteristics ki hum baat karenge. They are the groups which live for short duration. Now see,
when you are talking in terms of primary groups are having a quality, they are long duration groups. आप फैमिली का मेंबर बने, आप फैमिली का क्या बने? मेंबर बने. एक बार आपने फैमिली ज्वाइन की, आप इस फैमिली में एक बार आ गए, यू हैव टू लिव इन दिस वेरी फैमिली फॉर लॉन्ग टाइम. लॉन्गर टाइम यू विल बी द मेंबर ऑफ दिस वेरी फैमिली टिल यू आर अलाइव. जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपकी जान में जान है, तब तक आपको इस फैमिली का मेंबर बन के रहना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक. सो अगर आप बात करेंगे सेकेंडरी ग्रुप, दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन ग्रुप, दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन ग्रुप. आज मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, कल मुझे बीजेपी पार्टी पसंद नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल मैं कांग्रेस ज्वाइन कर सकता हूँ. मैं पीडीपी जो यहाँ पे नेशनल हमारी स्टेट जो ये आप कहेंगे रीजनल पार्टीज है उनको ज्वाइन करूंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं लेबर यूनियन का मेंबर हूँ, कल मैंने लेबर यूनियन छोड़. गेटिंग माय पॉइंट? मैं स्टूडेंट यूनियन का मेंबर हूँ, कल को मैं कॉलेज से निकला, अब मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मुझे वो चीज. सो कभी ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, यू कैन बी मेंबर फॉर सम इयर्स. गेटिंग माय पॉइंट? तो इट मींस इनमें और उसमें अगर आप प्राइमरी ग्रुप में फर्क देखेंगे, दे आर लॉन्ग ड्यूरेशन ग्रुप्स. एक फैमिली में अगर हम एक बच्ची की भी बात करेंगे, इसकी शादी करनी है, शादी के बाद तो वो उस घर से निकल जाएगी, लेकिन अटैच उसके साथ होती है, फिर भी 20 साल एक घर में रहना है, 25 साल उसी घर के साथ एसोसिएटेड रहना है. लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे, यू कैन बी मेंबर ऑफ दैट वेरी पॉलिटिकल पार्टी फॉर 1 ईयर, 2 ईयर्स, और 3 ईयर्स. सो कंपेरिजन कहां 25 साल, कहां 3 साल. सो दैट्स व्हाई आई सेड दीज आर द ग्रुप्स व्हिच आर शॉर्ट ड्यूरेशन. नंबर वन. नंबर सेकंड, दीज ग्रुप्स दे आर हैविंग द लार्ज मेंबर्स. अगर आप साइज की बात करें, ऑन द बेस ऑफ साइज, दे आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स. सेकेंडरी ग्रुप्स में फर्क क्या है? पहले फर्क वो होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप होता है शॉर्ट ड्यूरेशन. नंबर वन. नंबर सेकेंड, अगर आप बात करेंगे एज ऑफ द साइज इज कंसर्न, प्राइमरी ग्रुप का जो साइज होता है दैट इज स्मॉल. देर आर ओनली फ्यू इंडिविजुअल दे टू रिजाइड इन प्राइमरी ग्रुप. दे कैन बी, यू कैन से 5, 7, 8, 9, 10. गेटिंग माय पॉइंट? बट वेन यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स, they are having a large number of members, they are party to that very secondary. मैंने ट्रेड यूनियन की बात की, हजारों लोग इसमें शामिल हो सकते हैं. पॉलिटिकल पार्टी की मैंने बात की, लाखों में लोग इस पॉलिटिकल पार्टी के क्या हो सकते हैं? मेंबर्स हो सकते हैं. सो कंपेरेटिव टू दिस यू कैन से प्राइमरी ग्रुप, द साइज ऑफ सेकेंडरी ग्रुप इज वेरी मच लार्ज. नंबर थर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, देयर इज लैक ऑफ इंटीमेसी बिटवीन द मेंबर्स. लैक ऑफ इंटीमेसी, जो इंटीमेसी होती है, लव, केयर, कंसर्न, अफेक्शन, इंटीमेट रिलेशनशिप की जो बात होती है, देर इज अ लैक ऑफ दैट टाइप ऑफ इंटीमेसी इन दिस सेकेंडरी. अगर आप सेकेंडरी ग्रुप में बात करेंगे, रिलेशन दे आर फॉर्मल इन नेचर, रिलेशन आर ओनली फंक्शनरी इन नेचर. हम एक रिलेशन एक रोल के लिए निभा रहे हैं, हम उस फॉर्मेलिटी को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप फॉर्मेलिटी को फुलफिल करते हो, यू आर गेटिंग कंपेल्ड टू बी द मेंबर ऑफ दैट वेरी ग्रुप. लेकिन अगर आप बाय चॉइस देखेंगे, आपकी दिली वो चॉइस या ख्वाहिश उस ग्रुप के साथ आपको अटैच नहीं रखती है, सो सेकेंडरी ग्रुप में जो रिलेशनशिप होती है दैट इज नॉट इंटीमेट, उसमें इंटीमेसी नहीं होती है, दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी. गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज वेरी ग्रुप्स दे आर ऑल्सो बींग एंटाइटेड एज specific aim or specific interest groups. They are specific aim or specific interest groups. Specific aim or specific interest groups. ये जो groups होते हैं, they are specific aim groups. मैं political party को join करता हूं, मुझे लगता है इससे मुझे क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा. स्पेसिफिक एम के लिए मैं सेकेंडरी ग्रुप को ज्वाइन करता हूं. अगर मेरा स्पेसिफिक एम चेंज हो जाएगा, मैं इस पार्टी को छोड़ के मुझे लगेगा कांग्रेस मेरे एम को फुलफिल कर सकता है, उस पार्टी को ज्वाइन करता हूं. गेटिंग माय पॉइंट? मैं अपनी इंटरेस्ट की बुनियाद पे अपने सेकेंडरी ग्रुप्स को चुनता हूं. बात समझ आ गई? सो दीज आर सेकेंडरी, यू कैन से दीज आर स्पेसिफिक एम और स्पेसिफिक. जब आप इनमें देखेंगे दे आर हैविंग स्पेसिफिक एम, दे आर हैविंग स्पेसिफिक इंटरेस्ट, डू रिमेंबर
All these very groups, they are being said to be deliberately and consciously formed groups. हम इनको deliberately बनाते हैं. क्या बनाते हैं? Deliberately हम इनका क्या करते हैं? Join करते हैं. Deliberate और consciously formed groups. हम इनको consciously बनाते हैं या इनको join करते हैं या deliberately join करते हैं. अब थोड़ा सा फर्क देख लीजिए यहाँ पे. It's very much important point and then I will be ending this very discussion. जो आपकी family है, family is not your deliberate group. Family is not your consciously joining group. आप automatically family में क्या ले लेते हो? बर्थ ले लेते हो. आप उसका क्या बनते हो? Member. So वो वाले groups जिनमें जिनको आप अपनी मर्जी से join नहीं करते हो उनको कहेंगे इनवॉलंटरी ग्रुप्स. क्या कहेंगे? यानी आपकी मर्जी नहीं चलती है, आप उनको ऑटोमेटिकली उनको क्या कर पाते हो? ज्वाइन करते हो ना. गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन यहां पे अगर आप बात करेंगे, ये जो ग्रुप्स होते हैं ऑल द सेकेंडरी ग्रुप्स, दे आर वॉलंटरी ग्रुप्स. दे आर कोई भी ऐसा ग्रुप आप नहीं देखेंगे जिसमें आप इनवॉलंटरी मेंबर बन जाओगे, ऑटोमेटिकली क्या बन जाओगे. कुछ प्राइमरी ग्रुप्स में ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें आपको वॉलंटरी ज्वाइन करना होगा. क्रिकेट टीम ज्वाइन करना है कि नहीं, वो प्राइमरी ग्रुप है. लेकिन जितने भी सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, दे आर व्हाट? दे आर वॉलंटरी इन नेचर. यानी अगर आपको इनका मेंबर बनना है, आपकी मर्जी देखी जाएगी. दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप. थैंक यू वेरी मच.